सभा सौक्रोश जनता की आशा आकांक्षा के प्रतीक देश और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और इस विशाल जनसभा में उपस्थित सम्मानित भाइयों और बहनों, आपकी आवाज ये बता रही है कि आप में जान बहुत है। उत्तर बिहार में जान बहुत है, मुजफ्फरपुर में जान बहुत है। तो मैं आप सब शानदार और जानदार लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, एक साल की छोटी सी अवधि में आपने बिहार के विकास के लिए जितनी धनराशि आवंटित किया है, यूपीए की सरकार ने 10 साल में भी उतनी धनराशि आवंटित करने का काम नहीं किया। आप जैसे जैसे बिहार के लिए पैसा दे रहे हैं, जैसे जैसे बिहार के विकास की आप चिंता कर रहे हैं, वैसे वैसे बिहार के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, लोग बेचैन हो रहे हैं। और ये बेचैनी में कह रहे हैं कि हम गठबंधन करेंगे, और गठबंधन करने के लिए लोग जहर पीने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो अलग मॉडल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, जहां विकास का मॉडल अपनाना चाहते हैं, वहां विकास के मॉडल को रोकने के लिए, विकास के रथ को रोकने के लिए यहां के नेताओं ने नया मॉडल बनाया। कहा नीला मॉडल चलाएंगे, नी से नीतीश कुमार, ला से लालू यादव, कह रहे नीला मॉडल बिहार में चलाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी, गांव में रहने वाले लोग जानते हैं, अगर गांव में किसी को सांप काट लेता है शरीर कैसा हो जाता है, सांप काटने पर शरीर कैसा हो जाता है, गांव में नीला हो जाता है। महोदय, प्रधानमंत्री जी, ये नीला मॉडल जहर का मॉडल है, और बिहार के लोग जहर के मॉडल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बिहार के लोगों ने फैसला लिया, हमें स्वीकार करना है। प्रधानमंत्री जी, आपका जो विकास का मॉडल है, जो अमृत का मॉडल है, बिहार की जनता उस अमृत के मॉडल को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। लोग दस्तक दे रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं। आज जब चुनाव का दिन नजदीक आया है तो लोग को दस्तक देने की याद आई है। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने घर घर के दस्तक का आयोजन किया है, हम उससे पूछना चाहते हैं। जब बिहार के लोग संकट में थे, जब बगहा के आदिवासियों पर गोली चलाई गई, 6 आदिवासी मारे गए, उनके घर दस्तक देने क्यों नहीं गया? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जब मिड डे मील में 23 बच्चे बिहार के मारे गए, आप उसमें उनके घर पर दस्तक देने क्यों नहीं गए? जब पटना के गांधी मैदान में आतंकवादी हमले में 6 भाई हमारे मारे गए, आप उनके घर पर दस्तक देने क्यों नहीं गए? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जब पाकिस्तान की गोलियों से हमारे जवान शहीद होते हैं, बिहार की धरती पर आते हैं, उनके घर पर दस्तक देने आप क्यों नहीं गए? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जब बिहार के किसान आत्महत्या कर रहे थे, उनके घर पर दस्तक देने आप क्यों नहीं गए? और आज जब चुनाव का समय आया है तो आपको घर घर दस्तक देने की याद आ रही है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये लोग जो घर घर दस्तक देने का नाटक कर रहे हैं, उनके दस्तक को नकार देने का काम करना, उनके दस्तक को ठुकरा देने का काम करना। और साथ साथ नरेंद्र भाई मोदी आज यहां है, माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, प्रधानमंत्री के आह्वान को हम सब स्वीकार करके, जैसे लोकसभा के चुनाव में 2/3 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार को हमने विजयी बनाने का काम किया था, वैसे ही विधानसभा के चुनाव में भी 2/3 सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार विजयी हो, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए। अरे करिएगा ना, अरे जिताइएगा ना एनडीए को, मोदी जी की बात मानिएगा ना, सरकार एनडीए की बनेगी ना, एक बार जोर से ताली बजा के सहमति तो बता दीजिए ना। भाइयों बहनों, आपने फिर से एनडीए की 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का निर्णय लिया है, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।